हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो रात के बज रहे हैं 1 सेकेंड 3:47 और अभी कैफ गए वजू करने के लिए, ताजुद पढ़ना है उनको, तो अभी ताजुद पढ़ेंगे कैफ। और मैं ऐसी बस ऐसे बालकनी में आके खड़ी थी क्योंकि नीचे से मुझे आवाज़ आ रही थी कुछ लड़कों की, तो मैं बोली कि क्या मालूम कौन चिल्ला रहा है। तो ये देखो, आप लोग बॉटल फूटने की आवाज़ है ठंग करके। तो ये देखो, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक लड़का कैसे लड़ रहा था, मैंने बिल्डिंग वालों कुछ तो करके, फिर आदमी से कुछ तो बोला, यार ये मच्छर क्या परेशान कर दे, फिर से कुछ तो बोला। अब उसका पता नहीं मुझे क्या बोला, मुझे इतना समझ नहीं आया, बस इतना समझ आया बिल्डिंग वालों समथिंग ही सेड, और फिर मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को सुनाती हूँ, आई मीन दिखाती हूँ। ये देखो, देखी क्या जगह, क्या चीज, क्या जगह? हाँ वो ना, नहीं अभी तक देखी नहीं, मैं उसको मैसेज डाल ली हूँ। कितने लोग बैठे पीने के लिए, उन लोग नखरे उन लोग के। देख सकते कितने लोग हैं, और यहाँ पर ये लोग को देखो कितना मस्त हुआ, लोगों को चुपके से दिखाते हैं। ये देखो क्या मस्त झाड़ के नीचे सोया है, किधर ये पूरा लाइन से सोए, अभी सोया और इधर भी ऊपर भी सोया, और ये ऊपर की पूरी लाइन फुल रहते हैं गाइस कबूतर से। अरे फोकस भी नहीं होता बाबा मेरा कैमरा। अरे ऊपर डांस देखो उसका, ये देखो ये पहले इससे ऊपर देखा फिर डांस तेरा चालू किया। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि कल बहुत अच्छा दिन गया, और मैं जब ब्लॉग शूट नहीं करके, आई मीन जब ब्लॉग का मैंने एंड कर लिया था, उसके बाद हम गए थे थोड़ा आगे लिमका लेने के लिए, वो ये वाली बॉटल कांच की जो अभी इतनी सी बची है, पता नहीं मैंने उसको खोला भी नहीं था, मेरे फ्रीजर में रखा, पता नहीं आधी गिर गई, लीक हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ढक्कन भी लगा हुआ ही था। और गाइस, जब हम लिमका लेने गए और मैं जो गिरी हूँ मैं, और मुझे सुबह उठ के जो बदन में मेरे दर्द दिया है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे को दर्द क्यों दे रहा है मुझे समझ नहीं आया। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़ोर से कल गिरी थी, तो मुझे बहुत रोना आ रहा है, बट इट्स ओके, रो रो के क्या करें, छोड़ो। और कैफ का हेयर स्टाइल इसने बहुत मस्त किया है गाइज, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। और गाइज, मैंने रात को ही आईब्रो कर लिया था, आए तो वैसे नहीं थे, बट जो बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा थे वो मैंने निकाल लिए। और ज़ैनब के अभी 10 सेकेंड केक का भी मैंने ऑर्डर दे दिया है, और प्लान भी कर लिया है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और मैं आज क्या पहनने वाली हूँ वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है। बहुत सिंपल सोबर सा रखूँगी, ज़्यादा एकदम चटैक फटैक करूँगी नहीं कुछ भी, एकदम डिसेंट सा कपड़ा कुछ पहन लूँगी, और डिसेंट मेरा आप लोगों को तो पता ही है क्या होता है क्या नहीं। और चलो, अभी मैं खा रही हूँ ब्राउनी, यहाँ पर देख सकते हो, अभी मुझे कैफ ने गर्म करके दिए, मुझे भूख लगी है तो मेरा मन हो रहा था इसे थोड़ा चकलड़ी कुछ खाने का, तो मैं अभी ये खा रही हूँ। तो मेरे डार्क सर्कल देख सकते हो आप गाइस सामने से, और कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो चलो गाइस, मिलती हूँ आप लोग से बाद में। और हाँ गाइस, मर्जी आई है अम्मी की, मर्जी का कलर करने के लिए, तो वो अम्मी के यहाँ पर है, मुझे बुला रही है, और मैं गिरी हूँ तो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उठ के जाऊँ, बट अभी मेरे को जाना पड़ेगा। बेचारी मेरे को कब से फ़ोन करके बुला रही है कि आओ ना आओ ना, तो मैं जाती हूँ उससे, थोड़ा मिलती हूँ फिर आप लोग से अम्मी के। तो गाइस, अभी मैं रेडी हुई, मतलब फ्रेश हो चुका, मैंने उस दिन ऐसी थोड़ी देर ही पहने थी, उसके बाद पहनी नहीं थी, तो मैंने बोला कि अभी फिलहाल यही पहन लेती हूँ, ये गंदा भी नहीं है कपड़ा, तो अभी मैंने बोला कि फिलहाल यही पहन के अभी चलते अम्मी के यहाँ पर, पहले जा रही हूँ अम्मी के यहाँ पर। और मैं ब्राउनी खा रही थी, तो ज़ैनब को मैंने बताया था कि ब्राउनी लाई हुई है वो वगैरह वगैरह, तो ज़ैनब ने मैं भी खाऊंगी वो, तो ज़ैनब के लिए भी मैंने थोड़ी सी ली हूँ पहले देखने के लिए वो खाएगी नहीं खाएगी। मैं इसको गर्म भी कर लिया माइक्रोवेव में अच्छी तरीके से, और अभी बस जा रही हूँ अम्मी के यहाँ पर। फ़ोन पे फ़ोन करें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, लिटरली मेरा आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं घर के बाहर निकलूं,
क्योंकि मैं इतनी जोर से जो कल गिरी हूँ ना, मेरे को एकदम पीठ मेरी तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दर्द रही मेरी पीठ, और मैं बस बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं हंसी मजाक में ले रही हूँ सब चीजें, तो मेरे को सच्ची में बहुत ज्यादा दर्द रहा। मैं कैफ को भी बोली नहीं अभी तक, क्योंकि कैफ मेरे को चिल्लाएंगे जैसे कल मुझे चिल्लाए थे। एनीवेज तो मम्मी यहाँ पहुँच के आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, शिरन अभी है ऊपर अम्मी के वहां पर, मैं जा रहा हूँ झामा स्वीट्स। शिरन को कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मेरे को बोली कि वहां चले जाओ, वहां जाके मेरे को कॉल करना। मैं अगर ठीक है वहां जाके देखो कॉल करता हूँ, तो मेरे को बता देना देखो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अभी फटाफट झामा स्वीट्स पहुँचता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे वहाँ मिलते हुए बने रही। तो गाइस, जैसे कि मैंने कैफ को भेजा था झामा पे, क्योंकि मुझे चाहिए थी बालू चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए थी, वो चाहिए थी मुझे मर्जिया के मम्मी के लिए चाहिए थी। हाँ, व्लॉग में देखे जो ने तेरे को बोले थे जब तू गई थी ना, आंटी ने नहीं बोले थे, मर्जिया ने बोली थी, तो मैं थोड़ी देर से बताती हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मर्जिया ने मेरे को बताई थी, तुम जो खाते हो ना जामा से, तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। मैं जब गई थी तो मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी किए थे, खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़ें करे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आंटी इतना प्यार दिए मेरे को, बात खातिरदारी की नहीं, जितना प्यार मुझे मिला ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो बस प्यार मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और मेरे को जो अगर रिस्पेक्ट देता है, जितना प्यार करता है, हर चीज़ें मेरी देखते करते हैं, तो मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसा फेक लव वाली टाइप वाइब नहीं आई, तो मैं आप लोगों को पता है मेरी आदत है, मैं पहचान लेती हूँ लोगों को किधर प्योर है और किधर फेक है, तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसके वजह से मेरे को वो था, और मेरे को अचानक से याद आया, मैंने जैसे याद आया मैंने कैफ को लिखा, उठो और जाओ पहले जाके पहली फुर्सत पर जाके ये अपना पहली फुर्सत में जाके ना वो लेके आ जाओ ज़रा, क्योंकि मेरे को उसको दे कैफो नहीं मानता कि मेरे को देना है करके, कैफो मैंने उसे बोला लेके आ जाओ, तो फिर कैफ फटाफट जाके लेके आ गया। ना गाइस, ये क्वांटिटी ना थोड़ी मंगाती खाने के खुद के लिए, बट इसने जब आज बोला है कि नहीं मुझे थोड़ा नहीं उससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं थोड़ा शॉक हुआ कि ऑल ऑफ सडन ये इतना मंग रही। मेरे को लगा शायद दीदी का बर्थडे, तो दीदी को भी आधा देगी उसमें से, अम्मी को देगी और तू रखेगी, मेरे को ये लगा, बट मेरे को नहीं मालूम था। और जिस चीज़ के लिए तू मेरे को देख रही है ना, मत देगा भी मेरे को, तो बस यही बोलना था। और मैंने मंगा लिया, मर्जिया को लगा ही नहीं, और मर्जिया को जैसे मैंने बताया कि मैं उसके लिए करी, तो एकदम शॉक हो गई मर्जिया, बोलती हाँ अरे नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए कर रही थी। फिर मैंने बोला कि नहीं लेके जाओ, लेके जाके ये दे देना मम्मी का, तो बोले ठीक है चलेगा। तो अभी मर्जिया ने अम्मी का कलर भी कर दिया, तो मैं यहाँ पर फोटो डाल दूंगी कैफ को बोल के, तो बहुत ही अच्छा लुक है। बट मैंने अम्मी को कहा भी था कि अम्मी के जैसे हेयर में थोड़ा वॉल्यूम कम है, तो मैंने अम्मी को कहा था कि ज़्यादा रेड कलर नहीं करना, बट अम्मी को मैंने बोला था कि कुछ डिफरेंट कर लेना, बट अम्मी ने बोला कि नहीं मुझे रेडी करना है रेडी करना है रेडी करना है। पहले अम्मी ने बोला मेरे को एकदम ब्राइट रेड करना है, मैंने बोला ठीक है चलेगा, मैं मर्जिया से बात करूँगी। मर्जिया ने वैसे ही किया जैसा अम्मी को चाहिए था, बट अभी अम्मी का ऐसा सीन है ना कि अम्मी बोल रहे कि नहीं यार ये मेरे बहुत ब्राइट लग रहा था, वो हमने पहले ही अम्मी को कंसिडर किया था। मर्जिया ने भी बोला था कि आंटी आप ये नहीं, मतलब मेरे को बोला था अम्मी को बोलने कि आंटी को बोलना कि थोड़ा ब्राइट रेड ना करे, थोड़ा मरूनिश में जाए, पर अम्मी वॉज लाइक नो 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 नो, तो इट वॉज हर चॉइस एंड मर्जिया डिड हर वर्क वेरी वेरी वेल। और प्लीज़ जिस किसी को भी अगर मर्जिया को बुलाना है घर पे करवाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो मर्जिया को, उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी है यहाँ पर, और इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज भी कर सकते हो और कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो वो विज़िट कर लेगी आपके प्लेस पर, घर बैठे आपका काम भी हो जाएगा, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं इतनी गर्मी में, घर बैठे आपकी सर्विस मिल रही है आपको, और क्या ही चाहिए है कि नहीं, और अच्छा काम मिल रहा है। तो बस यही बोला था, तो मिलते आपसे थोड़ी देर। यहाँ पर देख सकते हो अभी भाईजान को आज जैनम ने तो कुछ बना के दी नहीं, क्योंकि वो खुद बीमार हो गई और मैं भी बीमार हूँ साथ ही साथ, क्योंकि कल से हम लोग जब से आए तब से हम लोग दोनों की एकदम हालत टाइट हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो पकवान, मेरा खाने का मन ही था, मेरे को मालूम भी नहीं कि मैं पकवान लेके आए, और पकवान लेके आए दाल पकवान, हमारे इधर बहुत अच्छा मिलता है, और जामा से गुलाब जामुन लेके आए, तो अभी हम लोग दाल पकवान दोनों जन पूछते हुए थे। सो गाइस, मैं आया था घर और आकर मैंने इफ्तारी भी अलहमदिल्ला कर लिया हूँ, मगरिब की नमाज़ भी हो गई, और हॉर्न लिया हूँ मैंने, क्योंकि बोथमैन का जो प्रेशर हॉर्न लगाया था हमने वो ख़राब हो गया, तो मैं सोचा जो पुराना ओरिजिनल हॉर्न है वही रिटर्न लगवा देंगे, तो अभी वही हॉर्न लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर दे दूँगा बिल्डिंग के नीचे ये मैकेनिक, तो वो दे दूँगा उसको, और फिर जाता हूँ फिर जैनब दीदी के घर, फिर शेरिन का और मेरे को जाना है जैनब दीदी का केक पिक करने, तो वो वाला केक जो भाईजान ने ऑर्डर दिए थे, तो वो वाला केक हम लोग जाके अभी पिकअप कर लेंगे, तो पहले मैं वहाँ पहुँचता हूँ फटाफट और फिर वहाँ पर आपसे पहुँच कर मिलता हूँ, सो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, अभी मैं जैनब के यहाँ से निकल रही हूँ, बज रहे हैं 7:56 और 7 बजे तक केक रेडी हो गया था, वहाँ का भी जो
भाईजान ने बोले तो ऑर्डर देने, और जो दूसरा वाला केक है वो भी रेडी हो चुका है, और बस आया था फोन। अल्लाह हू अकबर। हाँ हुई बात उधर किधर केक के लिए। हाँ वो तो हो गया कब का। तो हाँ घर से जैनब का भी निकलेगा मन नहीं, और मेरा भी निकलेगा मन नहीं, पर है ना भाईजान एकदम बोल रहे, इंसिस्ट करे कि चलो 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 अब भी ले लेंगे फिर रेडी हो के। अच्छा चलो ले ही लेते उससे, पिक कर लेते। तो अभी मैं जा रही पहले केक पिक करने, मेरे को लगा कि बाद में करेंगे, तो बोल रहे अभी करने। मैं कल ही वहाँ पर गिरी हुई, मेरे को लेके जा रहे, और मुझे मैसेज भी आया हुआ है कल कितना जबरदस्त गिरे हो तुम करके, दिमाग खराब हो रहा है। तो चलो अभी घर पहुँचती, केक में पिक करती हूँ, घर पहुँचती हूँ तैयार होती फिर आप लोग। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये केक रेडी हो चुका है, और ये फोटो मैंने ही दी थी क्योंकि मैं जैनब की सिंगल देने वाली थी, फिर मैंने बोला नहीं कि इन लोग दोनों की देती, तो ये वाली फोटो मेरे पास ही थी, मैंने क्लिक की थी, तो ये दी थी। और याद भी देखो वहाँ खड़े रहे किसी की मार। गाइस पांच वाली फ्रूटी कितनी सी हो गई है देखो, हाँ इतनी छोटी सी हो गई है पाँच वाली फ्रूटी, है ना, हमारे टाइम पर कितनी बड़ी होती थी, फिर भी पियो तो प्याज भी बुझ जाती थी, अभी ये घुट में ख़त्म हो जाएगी। सो गाइज शिरिन हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट क्या हो ही गई, बस टेंट लगा दी। हाँ तो मतलब हो ही गई है फाइनल वाला रेडी, बस अभी एक 5-10 मिनट में निकलते हैं। कल मैं कब का रेडी हुई, बस स्नो इसलिए हो रही है, तो मेरा मेकअप है ना कब का हो गया होता, मैं इसलिए हो रही क्योंकि मेरे को मालूम है अभी तक जैनब रेडी नहीं हुई है, वो किरकिरी कर रही वहां पर कि मैं क्या पहले कुछ नहीं, जबकि इतना ढेरों कपड़े पड़े, इसके लिए मेरा स्नो हो रही क्योंकि अगर मैं कहना तो किरकिरी लगाएगी। यहाँ पे भी वही हाल है ना जान, आज मैंने कितनी किरकिरी का कपड़े के लिए, तू देखी क्यों मेरे भाई सा, आज तूने नहीं करी ना, मैं ऑप्शन पहले सोच के रखी थी ना, आज मैंने बहुत किरकिरी का कपड़े के लिए, और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मेरी आज। एक्चुअली हम लोग कल से जब से आए हैं ना हम लोग, तो तब से ना सुस्त से हो चुके हैं। ठीक है अभी शिरिन, और बहुत लोगों ने बोला मेकअप ट्यूटोरियल दो, मेकअप हां मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए ना, तो चलो उसका मेकअप ट्यूटोरियल अलग से ही दूंगी मैं, कि जिस दिन मैं अगर व्लॉग शूट करने के लिए कुछ नहीं रहा, कुछ आप लोग को बताने के लिए नहीं रहा, तो उस दिन मैं आप लोग को मेकअप ट्यूटोरियल दे दूंगी, ठीक है। और मैंने बालों में क्रिम्पिंग किया है थोड़ा वॉल्यूम दिखने के लिए, क्रिम्पिंग तो हट ही गई है, मैं वैसा लग रहा है। ठीक है गाइस हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम में, अभी जरा मैं शिरिन की जरा क्लास डूडल्स ले रहे हो, मिलता हूं आपसे थोड़ा। सो गाइस निकल के काफी टाइम हो गया हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कुर्ला, और अंदर लेने का ओ उधर बेसमेंट में, हां बेसमेंट में बोला है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट में क्योंकि असद भाई के यहां पर, क्योंकि मैंने केक बुक किया है असद भाई के यहां से, तो असद भाई ने बोला कि बेसमेंट में आने के लिए, और जैनब लोग को मैंने आगे भेज दिया, उसको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने बोला कि हाँ ये वाले रोड पे कंटिन्यू करते रहना आते रहना सीधा सीधा ही करके, मैंने अभी उसको एड़ा बना दी, और बोली हाँ ठीक है ठीक है करके। तो वो और भाईजान और सरदानी वो लोग आगे निकल चुके हैं, और अभी मेरे बाल वाल सब आड़े टेढ़े हो गए क्योंकि बाइक इतना भगा भगा के कैफ ने लिए, और अभी मैंने इसी से बांध ली, क्लिप क्लिप लगा दी हूँ, तो बस फटाक से केक पिक करते और भागते हैं जैनब लोग के यहाँ पर। आई होप यू चिड़े ना बस, तो चलो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर ये ना। और गाइस ये देख सकते हो मैंने असद भाई को इतना बोली कि कितने कितना कितना नहीं बता रहे, देखो कैसे असद भाई देखो, हाँ इतना बड़ा केक मेरे को बोले 1 kg, बोल तो 1 kg तो नहीं दिख रहा मुझे, देखो असद भाई इज वेरी रॉन्ग, मैं इनको पूछ रही देखो कितना। और चलो ये मेरे तरफ से था, पर अभी ये मेरे तरफ से नहीं होगा, ये तो असद भाई की तरफ से होगा, थैंक यू सो मच। यस तो मैं आप लोग को इनकी इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी दिखा दूंगी, मस्त होते मस्त होते इंशाल्लाह। मैं जैनब लोग आगे भेजी, उसको मालूम नहीं कि मैं इधर आई हूँ, मैं तो आगे भेजती हूँ, मैंने उसे बहाना करी। तो चलो अभी मैं आप लोग को खोल के बताऊंगी सीधा वहाँ पहुँच। तो गाइज हम लोग तो लोकेशन पे पहुँच भी गए, और जैनब लोग आगे शायद निकल गए, क्या पता क्या हो गया, तो अभी हम लोग आगे जाके देख रहे हैं कि अभी जैनब का फोन आया, बोलती है हम लोग आगे आ गए, किधर आ गए समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग कहो ये वो करके। अभी मेरे हाथ में केक देखी कि बोलेगी इतना बड़ा तमाशा क्या है, ऐसा बोलेगी कि किसको मारा, कोई जरूरत नहीं थी, मैंने काटी केक ये वो करके, उसको मालूम नहीं। हाँ ये तो टाटा वाले किया का अभी शोरूम कौन सा है क्या मालूम, अभी देखते हैं लोग किस तरफ है।
और उसको तो ध्यान भी नहीं आजू बाजू में क्या मिला उसको, सिग्नल मिला नहीं मिला कुछ भी नहीं मालूम है उसको। उसे बोलते सीधा ही सीधा आ गया, सीधा ही सीधा आ गया। अभी हम लोग भी सीधा ही सीधा जा रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। लड़की ना कसम से तो कोई चीज़ें नहीं समझती उसको। तो गाइस ज़ैनब जब आ गई थी तो ये केक देख के ज़ैनब शॉक होकर क्या बोलती मालूम है, ये तुम लोग कहाँ से लेके आए केक? ए अंदर अंदर बोलती तुम लोग कहाँ से लेके आए? और ज़ैनब भी थी शॉक हो गई, बोलती तुम लोग कहाँ से लेके आ गए? बोले हम लोग सब लावा के एकदम पहले ही पहुँच गए, एकदम शॉक। हम लोग पीछे आने के बावजूद भी हम लोग सबसे पहले आ गए। बहुत मट्टी है, बहुत मट्टी पूरे रोडों पे, धूल मट्टी धूल मट्टी। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पर और ज़ैनब चाहिए पर। ये देखिए भाई जान जी पीछे पीछे अपनी आंखों को टिटर टिटर करते हुए। अरे चलो चलो, अरे नहीं तुम चलो, अरे नहीं, अरे क्यों क्यों गिराएंगे बाबा, चलेंगे नहीं यार। बाप रे बाप, देखो कैसा केक हिला हिला के जैसे कि क्या फ्रूट बास्केट है वो। केक खराब हुआ तो सिर्फ भाई जान के वजह से। तो ये लड़का बैठ चुका है भाई, इसके लिए मैंने ना गिफ्ट लाई हूँ गाइस। मैं इसको आइस क्लोज, वाह कुछ भी नहीं बोलेगा। थैंक यू कौन मॉम, इसकी मजा देखो ना, दिखा दिखा इधर आ, इसकी मजा देखो। नहीं आ रहा है, आया नहीं आया, अरे आ गया। अरे यार ये लड़का ना कसम से जब आया तब मुंह नहीं खोला, ये ना एक दो बार ऐसे करते रहे यार। आ रहे खट्टा है आकर मॉम, वाओ तू खाके तो बता। अरे ऊपर का दबाने का ब्लैक वाला, ब्लैक पूरा खत्म नहीं करना अभी, मैं एक ही है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, आई गेस शिरीन ने बताई होगी, अगर नहीं बताई है तो मैं बता देता हूँ। तो बस अभी बैठे ऑर्डर वगैरह दिए अभी हम लोग ने, और ये देखो समदानी एंजॉय कर रहा। हाय मॉम और समदानी दोनों एंजॉय कर रहे। चलो ठीक है अभी रिलैक्स होते पहले, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपसे थोड़ी टाइम। तो गाइस ये है मेरा आउटफिट, देख सकते हैं ब्लैक शर्ट मैंने टाउन से लिया था, और दिस इज माय फुल आउटफिट मैंने नीचे पहनाई, और बूट्स जो मैंने लिया था टाउन से, और मैंने ये पर्ल वाला इयरिंग पहन लिया क्योंकि मेरा बहुत इच्छा था पहनने का, तो मैंने फाइनली पहन लिया। और मैं कैसी लग रही ज़रूर बताना, और मेकअप करने का मेरा तरीका बहुत सेम ही है, बस मैंने ऊपर जो आंखों के ऊपर जो चीज़ लगाई वो डिफरेंट है, वो अलग है, और आंखों के नीचे थोड़ा ब्लैक आई शेडो लगा के काजल लगा के थोड़ा स्मोकी करने के, और यहाँ पर मैंने लिप भी लगा के थोड़ा क्यूट दिखूँ मैं इसे, जो कि मैं लग नहीं रही। ज़ैनब कैसा लगा? बहुत मस्त, समझा नहीं इधर देखो। फर्स्ट टाइम मैं पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट करती नहीं हूँ, पहली बार पसंदीदा केक आया, पसंदीदा केक आया ज़ैनब। मतलब मेरा, मैं जल्दी कोई का भी केक नहीं खाती हूँ। Yes. बहुत लिमिटेड और बहुत रेयर केक खाती है ज़ैनब। अच्छा लगा भाई जान, बहुत जबरदस्त, कुछ नया है ना, समथिंग वेरी यूनिक। सही बात,
तो यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो मैंने ही दी थी क्योंकि इन लोगों को पता नहीं थी कि मैं फोटो देने वाली हूँ। ये फोटो है अरे यार काटो यार मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। चलो हैप्पी बर्थडे बूटी क्वीन। चलो चलो फट्टू ये देखो फट्टू माँ का मर्डर कर दिया उसने। कभी खुशी कभी गम। शीरिन लास्ट में पहले बड़े लोग एले खाओ तुम लोग खाओ। नहीं नहीं दूसरा दे दूँ। नहीं जो कुछ कैप का शूट करेंगे। अब मेरी हाइट से सो गाइस अभी हमने मंगाया है नूडल सूप और वहाँ पर भी वही है। सो 2x4 करके मंगा हम लोग चार जाने तो इजीली सबको हो जाएगा। और बस अभी ये खाते फिर देखते हैं और क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। सो बने रहिए फ्रेंड्स में। और ये देखो यहाँ पे समदानी बहुत मज़े लेते हुए मज़ा आ रही है ना सैम। मज़ा आ रही है आपको वो झूले में उसको बहुत मज़ा आ रही है। चलो ठीक है मिलता है आपसे थोड़े टाइम में बस। सो गाइस अभी आ चुका है सेकेंड ऑर्डर हमारा चिकन लॉलीपॉप और शेजवान भी आ गया है। और समदानी क्या खाएगा लॉलीपॉप। मोई आज क्या था मम्मा आज अपन इधर क्यों आए थे। मम्मी का बर्थडे। आपको अच्छा लगा मम्मी का बर्थडे बनाया अपन। विश किया था मम्मी को हैप्पी बर्थडे। मम्मी को फिर बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। मम्मी को बर्थडे गिफ्ट कभी देगा कल। हाँ चलो ठीक है कल ये देगा। हाँ कल स्कूल जाना है। मैं लेके आऊँ कल लेके आऊँ मैं और तू दे देगा ना ठीक है। सो गाइज अभी आई है चिकन क्रिस्पी और समदानी को दिए थे भाईजान ने लॉलीपॉप बट लॉलीपॉप आई गैस उसको लगा थोड़ा स्पाइसी इसीलिए नहीं खा रहा है ना। हाँ क्या खाएगा। हाँ नूडल्स खाएगा। क्या हो गया शिरिन शिरिन कुछ सोच रही है मेरे को लगता है। चलो ठीक है अभी खाते हैं फिर उसके बाद में आपसे। तो गाइस यहाँ पर देखो केफ समदानी को खिला रहा है हक्का नूडल। उसके लिए समदानी के लिए मंगाया क्योंकि समदानी ये समझा था। और जैनब ने अभी जस्ट लॉलीपॉप खाई और उसके मुंह के अंदर सिर्फ ऊपर का हड्डी हाथ में ही रह गया। और देखो उसका मुँह कैसा हो गया क्योंकि अभी बीमार है बेचारी। इतनी बीमार है कि बाकी सब कर पा रही है पर कैमरा देख के मुँह दर से जा रहा था। वहाँ पर अभी बस ये एक्साइटेड है कब घर पे जाए और कब ये चीज़ केक खोल के खाओ। इसको देख के ही खुशी मिल गई देख के ही पेट भर गया। जीजा जी आप कुछ कहना चाहोगे। जीजा जी को गर्म हो रहा है। जीजा जी की पसीने छूटते जब कैमरा चालू होता है। गुंगा बोला साहिबा क्या हंसी यार जैनब वापिस जी बाकी सब कर सकते बट ऑफ कैमरा ऑन कैमरा थोड़ा जीजा जी के पैर डगमगा जाते हैं। जीजा जी इस पे कुछ कहना चाहोगे। सही बोल रही अभी है यार तुम दो यार दो अभी शर्मा गई ओए शर्मा गई का ओए पुष्पा राज झुकेगा कि साला आ जाएगा। कावरा बावरा तो करके बताए। अल्लाह जैनब मेरा आदमी रहता था अभी देता था तो मेरा आदमी जैनब दीदी के लिए ना एक वीडियो बनाया तो पुष्पा राज का डायलॉग कावरा बावरा। अरे रे 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 अरे तू इधर मुंडी करके इधर गुजार ले। अरे तो एक
अरे अरे मेरा आदमी वैसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, प्यार का नतीजा ना गुलाब जैसी हो चुकी मेरी बहन, खिलता गुलाब, जो गुलाब था वो मुरझा गया है, बस अब काटे रहेंगे। अच्छा है, बट वो प्यार अगर ऑन कैमरा दिखाना तो फिर टोक लग जाएगी। हाँ, कैमरे में नहीं दिखाते हम लोग हमारा प्यार, टोक लग जाती है इसके लिए। मैं मेरी जान में जो बोलती हूँ करती हूँ, बाद में वो जंगे जंग बाद में लड़ लेंगे। अभी एक काम करेंगे, जीजा हाथ में कोयला ले लेंगे मेरी बहन के प्यार में। कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज अभी आ चुका है चिकन बर्न्ड गार्लिक राइस, और हमको ज़्यादा ऐसा कुछ ग्रेवी वेवी वाला राइस नहीं चाहिए था, तो हमने ये वाला राइस ऑर्डर कर लिया, और हम लोग एकदम टाइट हो चुके हैं। सूप और क्रिस्पी लॉलीपॉप और मैं खुद इतना वो भी अभी राइस मंगाया है, वो भी सब थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, सबके सब टाइट हो चुके हैं भैया। अभी पहले चम्मच नहीं था तो जैनब बोलती थी चम्मच नहीं है, चम्मच यहाँ पे चम्मच दे दी, तो भी चम्मच है जैनब यहाँ पर। अभी इंशाल्लाह ये पूरा ऑन करने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो है कि नहीं क्या इंशाल्लाह। तो चलो अभी खा रहे हैं, और भाईजान लोग निकल गए, और जैनब को बहुत अच्छा लगा और केक बहुत अच्छा लगा। असद भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन, असद भाई ब्लॉग्स देखते ही है, और जैनब केक लेके निकल चुकी है। केक जैनब ने नहीं खाई, हाँ बोली कि नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही रखूँगी, और घर पे जाके खाएंगे आराम से, क्योंकि उसको एकदम रिलैक्स होके खाएंगे तो ही मतलब लाइक मज़ा आ जाएगा। और हाँ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हम लोग को आज, और आज ज़्यादा हमने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग एक बोलते ना हमारा मी टाइम चाहते थे, फैमिली टाइम में बहुत अंदर रुके फिर भी, तो एक फैमिली टाइम चाहते थे, और हमारा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ, बहुत अच्छे से मजाक हुआ, हंसी मजाक हुआ, और वो मेरे साथ होता ही एज ऑलवेज गाइज। मेरा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं दिन भर में आगे कुछ नहीं, सलमान खान की गाड़ी जा रही है 0001 लैंड लैंड क्रूजर जा रही है, तो मैं आप लोगों को बता देती क्या। तो गाइज हमारा जो इतना सालों का साथीदार हेलमेट था, जो मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि मेरे को हेलमेट नहीं आते हैं जल्दी, और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है मेरे कानों पर, क्योंकि मेरा फेस आप लोगों को पता है वट्टा मुंडियों में, तो मेरा हेलमेट जो था वो काफ़ी यूज था और अच्छा था, जो हम लोग को बर्गमैन के साथ मिला था। वाह, मैं देखो कितनी ऊंची हो चुकी हूँ, अब पीछे की इसने अचानक से ब्रेक मारा, इसलिए रिक्शे वाले ने मार दिया था, उसके वजह से हम लोग को ये हो रहा था, और भैया के वजह से हम लोग घुस जाते थे, क्योंकि लोग गाना बजाते हैं मस्त में जा रहे इसलिए। तो हेलमेट टेप ने क्या कर दिया, एक सेकेंड गाइस, हम लोग पंप पे हैं तो मैं आपको पंप से निकल देता हूं। बहुत लेट हो चुका है, 2:10 हो रहा है, और दीदी को बोला था मैं आऊँगा बट लेट होएगा तो मैं आऊँगा, आके जाऊँगा फिर भी। तो हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे, पहले ऊपर चढ़े जाते हैं, मिलते करते फिर इंशाल्लाह निकलने का टाइम आपसे मिलते हैं, सो बने रहिए वीडियो में। ये देखो गाइस बच्चा सो रहा है ना, अरे मत करना उठ जाएगी ना वो। यार यार और देखो ये दोनों बहन लोग सो रहे हैं, यार उठना यार सिरेन यार, अरे अरे यार उसको परेशान करेगी ना दीदी को वो, यार सिरेन उठना। सो गाइज मुझे ये कहना था कि बहुत लोग पूछेंगे कि जैनब को गिफ्ट नहीं दिया, जैनब को गिफ्ट नहीं दिया, सिर्फ केक दिया, सिर्फ केक ही काटा ये वगैरह वगैरह। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जैनब को मेरे तरफ से मैं सोची थी कि मैं केक दूंगी, तो वो केक नहीं था, मतलब लाइक केक गिफ्ट उसके लिए नहीं था, उसके लिए मैंने कुछ और सोचा, क्योंकि जैसे पता है उसने खुद बोला कि मैं बहुत कम जगह का केक खाती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी केक खाती नहीं हूँ, और असद भाई का इसीलिए हम लोग केक खाते हैं क्योंकि असद भाई जो तरीके से केक बनाते हैं वो एक्चुअल बोलते ना उनकी जो चीज़ केक्स होते हैं ना, वो जैसे हमको गल्फ कंट्रीज में मिलते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट करते हैं, ठीक है।
उनके जितने फ्लेवर्स खा लो, उनके जितने केकों के फ्लेवर्स खा लो, वो सब आपको लिटरली इंटरनेशनल ऐसा लगेगा आप इंटरनेशनल ट्रिप मार रहे हो और तभी वहाँ पर जाके आप डेजर्ट खा रहे हो। हकीकत में बोल रही हूँ, एक बार आप ज़रूर ऑर्डर करके देखना, चाहे वो छोटा ही सही पर एक बार ऑर्डर करके ज़रूर देखना। और मैं कंफ्यूज थी कि मैं फ़्लेवर कौन सा लूँ, तो मैंने आसद भाई को बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। क्यों? नहीं 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 ज़रूरत है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि फ़्लेवर कौन सा लूँ, तो आसद भाई ने मेरे को बोला कि वो मेरे पे छोड़ दो, वो मैं देख लूँगा। मैंने बोला ठीक है आसद भाई, मैंने आपके सब छोड़ दिया, आप डिसाइड करो। तो इतना उनके पास माशाल्लाह से दिमाग है कि उन्हें हर एक फ्लेवर्स के एक छोटे छोटे से वो बॉन्टो के बॉन्टो को बोलते हैं ना 200 या 250 ग्राम्स का एक केक होगा। हाँ, बॉन्टो केक ऐसी कुछ अभी ट्रेंडिंग में निकला है बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। तो बहुत छोटे छोटे से जो केक्स ऐसे बनाए थे बहुत अच्छा लगा कि यार उधर सब फ्लेवर्स है, ब्लूबेरी था, मैंगो था, मेनी मोर, लोटस बिस्कॉफ भी था। और मैंने कहा और देखा मतलब ना मैं बस वो केक देख के मैं एकदम हक्की बक्की हो गई। मेरे को लगा कि वो एक बड़ा सा पूरा होल केक होगा, बट वो होल केक नहीं था। वो ज़्यादा देख के मैं और ज़्यादा खुश हो गई, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। तो गाइस मैं आसद भाई का नंबर आई डी इंस्टाग्राम की वो डाल दूँगी यहाँ पर भी एक और बार क्लियरली। और मर्जिया का भी आप लोग को यहाँ पर इंस्टाग्राम आई डी और नंबर भी डाल दूँगी, जिस किसी को बुलाना बुला सकते। और अम्मी की जो कलर की फोटो है वो भी मैंने कैसे बोल के ताने लगवाया, मतलब पहले आप लोग ने देख लिया रहेगा, ठीक है। और सेलब का गिफ्ट मुझे बहुत मेहनत लगी थी अभी सोचने के लिए, तो मैं उसको अभी फ़िलहाल तो उसका गिफ्ट दूंगी नहीं, क्योंकि बहुत चूजी है, बहुत ज़्यादा चूजी है। उसके पास कपड़े माशाल्लाह से बहुत है, उसके पास चप्पलें माशाल्लाह से बहुत है, उसके पास बैग का कलेक्शन भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारे बैग के कलेक्शन है, मेकअप है, और उसके जिस किसी का बोला हर ब्रांड्स के मेकअप है उसके पास। और क्या बोलते हैं मैक से लेके और क्या कौन सा एक वो लगाती है वो एक और है कौन सा तो ब्रांड है वो भी मेरे को मालूम नहीं, ईवा से लेके हलाल प्रोडक्ट से लेके हर चीज़ है उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पास हर एक चीज़ अल्लाह ने उसको नवाजी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहन को ऐसे ही नवाजते रहे। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा भी सोचना पड़ेगा कि उसको क्या दूँ, तो मुझे लगभग 2-3 दिन मेरे को एकदम फ्री माइंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन हम लोग बहुत ज़्यादा हेडेक में थे, मेरी तबीयत ख़राब, मैं गिर गई, मेरा मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैंने उसका गिफ्ट नहीं अभी तक डिसाइड किया है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसका गिफ्ट डिसाइड करूँगी, उसके लिए मेरे को यहाँ से तो नहीं लेना पड़ेगा, मुझे कहीं और से ही शायद जो ऑर्डर ही करना पड़ेगा। तो बस चीज़ मैं ढूंढ ढूंढ के उसके अकॉर्डिंग मंगाऊँगी, तो तब आप लोग को ही बता दूँगी। अगर आप लोगों के पास भी कुछ सजेशंस है ना, मैं अंधेरे में हो गई उसके लिए सॉरी, अगर आप लोगों के पास भी कुछ सजेशंस हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि मैं ज़ैनब को क्या दूँ जो उसको अच्छा लगे और वो देख के वो खुश भी हो और वो बोलते ना कहीं ना कहीं मेरे को बहन मान के प्राउड करे, प्राउड फील करे। और कुछ तो बस गाइस अभी निकल चुके हैं, आपसे बाय। तो गाइस हो चुके 316 और बस हम लोग निकल गए। और मैंने निकलते निकलते मैंने देखा किचन में ना छोटी सी कैरी पड़ी थी, बहुत सारी थी, तो मेरे को बस एक मेरे को ऐसा मन हुआ तो मैंने ले लिया, ओके अपने अपने बैग में रखे हुए। और बस अभी हम लोग निकल गए, जा रहे हैं घर, और सब घर की सफाई वफाई चल रही है तो उसमें शूट भी नहीं करने वाला, वो भी तो सो रही है मस्त में। मैं जाके उसको अच्छे से झपक झपक करके प्यार व्यार कर ली और अभी बस निकल गए। बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है लिटरली, बाइक पे भी हवा चल भी रही है ना, वो हवा में भी उधर गर्माहट से ना मारी धपा धप धपा धप। और आ गई ये वाला जब मैंने आई शेडो लगाया है और आप देख सकते हो एकदम बोलते ना मिनिमल क्या क्या बोल रही थी देखो। तो यहाँ पर देख रहे हो तो ये वाला जो मैंने लगाया है और ये वाला जो मैंने मेकअप किया है, मैंने जो पिछला मेकअप किया था ना वैसा ही है, बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस, मैं सेम तरीके से ही करती हूँ, मेरा बेस जो भी होता है बस मैं क्या करती हूँ बताएगा, आई लुक मैं कभी भी डिफरेंट देती, लेंस कभी डिफरेंट लगा लेती हूँ, या कभी फिर मैं लेंस लगाती तो लगाती वरना नहीं लगाती हूँ, या फिर मेरी मर्जी जैसा मैं करना चाहती हूँ वैसा करती। तो जितना ऐसा लुक दो ना उतना अच्छा रहता है, उतना डिसेंट और उतना क्यूट लगता है, ज़्यादा ओवर एक्सट्रीम लगता नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कैसा है तुम्हें, तो जैसा जो भी मैं लगाती हूँ बहुत सामने से जब आप मुझे देखोगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा
गया कि मैंने फेस पे मतलब एकदम ओवर एक्सट्रीम कभी कुछ किया नहीं है। अब कैमरे में वो पता नहीं मेरे को कैसा शो होता है कैसा नहीं, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, कमेंट भी था भूतनी लुकिंग भूत वगैरह वगैरह। आई डोंट गिव अप, अब जो समझना है समझ लो, मैंने तो दिखाई दी आप लोग को, ठीक है कुछ लोगों के लिए। तो ये देखो यहाँ पर लाइट अच्छी है तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखो ये है मेरा आज का लुक, ये मेरे आई मेकअप देख सकते हो एकदम नॉर्मल सी, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो भी मैंने आँख पर जो अप्लाई किया है ना ये बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। और ये मैक का है तो मैं बोलते ना अगर कुछ चीज़ें लेनी है ना तो एक बार के लिए स्पेंड करो, थोड़ा सा महंगा वो चल जाएगा, बस वो बहुत रेयरली चीज़ें लेती हूँ मैं, वरना मैं नहीं स्पेंड करती कोई भी चीज़ों पे। बस वो मैंने एक ही बार ली थी मैक का, वो अभी तक मेरे पास है, वो इतने टाइम से चला। और देखो गाइस कभी भी ना हम सोचते हैं कि यार आई शेडो की डेट चली जाती होगी या फलाना ढमकाना की डेट चले, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है वो चीज़ें एक्सपायर नहीं होती। हाँ वो सब चीज़ें एक्सपायर नहीं होती है। मैं आईब्रो पेंसिल जो यूज़ करती थी वो मैंने कितने साल से बोली मेरे पास है, 3 साल, मैंने 3 साल के ऊपर मैंने शायद बोली शादी के पहले से, शादी के पहले से मेरे पास है वो, हमारी शादी को अभी अलहमदिल्ला 4 साल होने हैं, ठीक है। और वो शादी के पहले से मेरे पास थी और वो अभी तक है मेरे पास, अभी वो इतनी सी हो गई फिर भी मैंने रखी थी, कुछ दिन परसों तरसों मैंने फेंक दी वाली भी पेंसिल, पर मैं वही इस्तेमाल करती थी, मेरे आईब्रो तो नहीं झड़े, अगर उसका डेट चले जाता तो उसका मेरे आईब्रो झड़ जाते, आप लोग खुद देख सकते हो माशाल्लाह से मेरे आईब्रो कितने अभी भी माशाल्लाह एकदम डार्क है, और मेरे आईब्रोज इतने पतले नहीं थे गाइस, मेरे आईब्रोज और ज़्यादा थिक थे और अच्छे घने थे। बट एक बार ऐसा हो गया था ना कि मैं एक पार्लर में गई थी, वहाँ पर जाके मैंने आईब्रो बनाया था, और आईब्रो बनाने के बाद क्या हो गया था कि उसके बाद है ना मेरी ग्रोथ ना अचानक से रुक गई, ऐसा होता है कि किसी किसी के हाथ से ग्रोथ रुक जाती है, तो मेरी ग्रोथ एकदम रुक गई, तो मेरे आईब्रो बराबर से बढ़ ही नहीं रहे थे, उसने बीच में खाँचा डाल दिया था और बहुत गंदा कर दिया था मेरे आईब्रो, बहुत गंदे। तो मेरे को बहुत, मैं रोई थी, मैं बहुत तड़पी थी, फिर मैंने कितने टाइम तक ना बस मेरे आईब्रो को ऐसे ही छोड़ दिया था, जो भी था ना मैं प्लकर से हो सके, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो अपने आईब्रो घर पे ही बनाओ, मैं तो यही कहूँगी। कैसे बनाना है, जो आईब्रो रेजर होता है वो इस्तेमाल करो, बट इस्तेमाल जब करोगे तो पहले ना अच्छे से अपने आप को ना एकदम ऐसा रखो कि एकदम काम रखो, जो क्योंकि रेजर बहुत ज़्यादा शार्प होता है, फट से कटने के चांसेस होते हैं, तो बहुत खुद को एकदम नॉर्मल रखो, एकदम काम रखो, फिर आज में आईब्रो करो। और कभी भी करोगे तो आप हो सके तो नारियल का तेल, मैं तो ज़्यादा करके ये सब प्रेफर करती हूँ, नारियल का तेल इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम जब आईब्रोज करते हैं तो पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं, और जब पोर्ट्स ओपन होते हैं ना तो उसमें अगर नारियल का तेल भी जाता है ना तो अपने लिए अच्छा होता है, क्योंकि नारियल के तेल से ग्रोथ आती है। तो मैं क्या करती हूँ जब भी मैं अगर रेज़र ये सब करती हूँ ना तो मैं नारियल का तेल लगाती हूँ और फिर मैं रेज़र करती हूँ, फिर जो एकदम रेज़र करने के बाद भी जो छोटे छोटे बारीक बारीक होते हैं जो निकलते नहीं है पूरी तरीके से, ऐसे अपने को हार्ड हार्ड लगते हैं ना, तो उसको क्या करना है आपको मानो प्लकर से प्लक करते हैं, ठीक है। तो बस यही बोलना था मेरे को, तो बहुत इजी तरीका है। और मैं अभी नेक्स्ट टाइम अभी जब आईब्रो करूँगी ना गाइस तो मैं शूट कर लूँगी, और ये वाले मेकअप का अगर ट्यूटोरियल चाहिए और जो मैंने उस दिन भी किया था वाले मेकअप का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोग को हर चीज़ अच्छे से तरीके से बता दूँगी, ठीक है गाइस। तो बस अभी यहाँ रुके, कैफ को कुछ चाहिए और मेरे को लिम्का, हाँ लिम्का है तो देख लेना, बड़ा बड़ा ले लो घर में नहीं है तो, अभी लिम्का चाहिए तो लिम्के लेने के लिए रुके। और गाइस अच्छी तरीके से देख लीजिए, और लेंस मेरी ये वाली जो मैंने वेयर की है ये मैंने इराक से ली थी, और ये इयरिंग जो है जो मैंने टाउन से लिया था 100 रुपीज़ वाला वो इयरिंग है, और ये जो शर्ट है ये भी मैंने टाउन से लिया था ये वो है, शूज़ जो मैंने लिया था टाउन से बूट्स वो है, और बस यही था मेरा। और ये क्लिप तो बहुत जूनी है, और मेरे बाद में जो क्लच है वो मम्मी का है, और कुछ भी नहीं बस, ठीक है। तो अगर किसी को भी ये लुक चाहिए रहेगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना, हर एक चीज़ में इंशाल्लाह डिटेल में आप लोग को बता दूंगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।